चाहते थे ताकि होटल का पैसा बचे और एक्स्ट्रा कोई खर्च ना हो, हम वापस निकल के आते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि गाड़ी नहीं चल पाई, खराब थी, हमने ट्रेन से ट्रेवल किया, लेकिन वापसी में ऐसा सिचुएशन आ गया कि उस समय गलती से रॉन्ग ट्रेन में चले गए और उतना ही बजट था, और टीसी ने कहा कि आप विदाउट हो, आप वो ट्रेन में दूसरे ट्रेन में चले जाओ, और उस ट्रेन का टिकट हमारे पास नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे, पर्सनैलिटी देख के पता नहीं उसको टीसी को क्या फील हुआ, उसने मुझे स्टेशन से उतारा नहीं वर्धा में। उसने कहा कि मैडम आप एक काम करो, अभी कैसा है सारे सीट फुल है, जहाँ पे आप बैठे थे वो भी टिकट, जिसका टिकट था वो भी आ चुका है, सो आप एक काम करो, वो सीधे 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 जाओ और लेफ्ट साइड में एक कंपार्टमेंट है, आप वहाँ बैठो। आप बिलीव नहीं करोगे, सीधे 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 मैं गई, और जब लेफ्ट साइड में मैं गई तो वहाँ पे इट्स लाइक नॉर्मल जनरल डब्बा होता है ना, जो लकड़ी वाली सीट होती है, और ऊपर का वो भी ऊपर वाला सीट। और मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, मुझ में टॉयलेट तक जाने तक की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इतना एकदम आपको पता ही होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऊपर बैठी रही कि कब मेरा स्टेशन आ जाए और मैं उतर जाऊं। और उस समय मैंने ऐसा बिलीव किया कि ये कौन से काम कर रही हूं मैं जिसमें मुझे इतना सब कुछ फेस करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से मुझे एक आवाज आई, बस थोड़ा वक्त और झेल लो, थोड़ा वक्त और झेल लो, एक दिन ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि दुनिया नाम लेते लेते नहीं थकेगी और आप सफल हो जाओगे। इसी तरीके से दादर स्टेशन में हम उतरे, उतर फुतर होके, वहां भी नजरें ढूंढ रही थी कहीं कोई टीसी तो नहीं खड़ा है, बिकॉज हमारे पास तो टिकट नहीं, और उस दिन भी ऐसा लकी डे था कि कोई अवेलेबल नहीं था, और किसी तरह हम घर पहुंचे। दो दिन तक जैसे हम सदमे में थे, और मुझे नागपुर से फोन आया, सब मैंने किसी से एक भी बात नहीं बोला, क्योंकि मैं मेरी दशा तो नहीं दिखा सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि अगर आपको दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी, तो मुझे पता था कि ये जो दिशा है ये जरूर बदलेगी, बस थोड़ा समय और, थोड़ा समय और। और इस नेटवर्क इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आप झेलने में स्ट्रांग हो, झेलने में अगर आप पीछे नहीं हटते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफल होने से। अपने आप के नजरों में आप प्राउड फील करोगे कि मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूं, मैं कुछ तो ऐसा कर रही हूं जिससे आई शुड फील प्राउड। जब अपने आप से हम नजर मिलाते हैं, हमने फील गुड करना चाहिए कि हम कुछ तो अलग कर रहे हैं। एक नॉर्मल जिंदगी तो नहीं जी रहे जैसे जानवर भी जीते हैं, इस और ना वो भी तो जीते हैं, वो भी उनकी भी फैमिली लाइफ चलती है, बट हम क्या है बताओ? सारे लोग फील कर रहे हैं, आई नो, हम सब इंसान हैं, तो हमारे पास सोचने की क्षमता है, तो हमें एक लाइफ जो मिली है उसमें कुछ तो हम अलग करें। अगर हम नॉर्मल सी जिंदगी जी के निकल जाए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई आके आपको गोली नहीं मारेगा कि तुमने क्यों नहीं किया, कोई नहीं पूछने वाला, चार बात बोलेंगे लोग छोड़ देंगे, अरे यार कोई काम का नहीं था, लेकिन हमने अपनी नजरों में ऊपर उठना चाहिए कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास वो सारी ताकत है। जब टाटा बिरला अंबानी इतने लेवल पे जा सकते, वो भी कभी नीचे थे, या उनके जो पीढ़ी अगर हम देखें, शायद वहां पे भी कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था, या कोई बड़ा इनकम नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने किया और इतिहास में उनका नाम है। तो हम एटलीस्ट अपने लाइफ के लिए तो कर सकते हैं, yes or no? तो ये रिस्क, जो एक रिस्क मैंने आपको बताया, ऐसे न जाने कितने रिस्क। जब मैं प्रेग्नेंट थी 7-8 मंथ, उस समय भी मैं 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया। लोग पूछते थे, यार मैम आपको रेस्ट लो, मैंने कहा कितना रेस्ट लूं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बहुत है, उसके बाद जब काम अगर करो तब मुझे उसमें रेस्ट फील होता है। मैं ऐसे ही खा के मैं लेटूं तो मुझे बिल्कुल भी रेस्ट फील नहीं होता, तब भी हमने वर्कआउट किया है। पूछो क्यों? क्योंकि पैशन इतना भरा था कि मुझे पता था कल शायद इस दुनिया में ना रहे, अभी मेरे पास मौका है, अभी मेरे पास वक्त है, मैं अभी कर सकती हूँ, कल पे हमें डालना नहीं है, अब हमें करके दिखाना है। तो ऐसे इसके हमने रिस्क लिए, और उस रिस्क का जो है परिणाम आज यहाँ पे मिलता है और मिलते रहेगा, मुझे पूरा यकीन है, यही रिस्क का परिणाम है। सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ लीडरशिप के दम पे वेस्टीज के मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ने हमें एम्बेसडर चूज किया ओनली फॉर लीडरशिप. उस समय हमारा एवरेज चेक शायद 8 से 10 लाख के आसपास था सिर्फ लीडरशिप के नाम पे, बिकॉज दे नोज कि हम लोगों ने कितना ट्रैवल किया, कितना वर्कआउट किया. तो ऐसा रिस्क, बट अभी तो मुझे बहुत फील अच्छा होता है कि आप लोगों को ऐसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है. सब कुछ आपके हाथ पे है, सब कुछ आपके हाथ में परोसा जाता है, उसके बावजूद भी हम निवाला बना के खा नहीं सकते. यही एक इतनी अंतर की सिर्फ दूरी है, बस उसको हमें कवर अप करना है. सफलता क्या, दिस इज नथिंग, इससे भी बहुत बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हो. तो असफल लोग इसलिए होते हैं.